All right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of our. My name is Tiger Cole and this is Tiger Moto Store. मैं अपना ही नाम भूल गया था इंट्रो बोलते बोलते. Anyways, let's come back to the topic. सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का कि हमारा चैनल अब 30,000 सब्सक्राइबर 30,000 फैमिली स्ट्रांग हो चुका है. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए. और उन लोगों का भी शुक्रिया जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट बहुत सारे विचित्र आइडियाज वीडियो के देते रहते हैं, तो ऐसे ही देते रहिए. हम भी ऐसे ही वीडियोस आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलमेट के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप टू व्हीलर चलाए, चाहे वो स्कूटर चला रहे हैं जिसे हम स्कूटी भी बोलते हैं, कोई भी टू व्हीलर, मैं तो बोलूँगा इनफैक्ट अगर आप साइकिल भी चलाते हैं तो साइकिल का भी आपको हेलमेट यूज़ करना चाहिए. क्योंकि हमारा जो सर है वो सब CPU है हमारी बॉडी जैसे कंप्यूटर का, ठीक है. तो हेलमेट्स पे मैंने बहुत सारे टेस्ट वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को भी कवर किया है, बजट रिलेटेड भी चीज़ें कवर की है, उनका प्ले लिस्ट बनाया हुआ है टेक्निकल टाइगर सीरीज में, आप उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा. आपको कुछ ना कुछ वहाँ से गेन होने ही वाला है, कुछ ना कुछ आपको वहाँ से नॉलेज इल्म मिलने ही वाला है. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ये रिसेंटली लॉन्च कौड़ा हेलमेट्स के बारे में. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग हेलमेट है, इसके बहुत सारे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे. और देखिए ये हेलमेट स्पेसिफिकली मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो के आखिर में कि ये हेलमेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट और अच्छा है. डायरेक्टली डाइव इन करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि मैं क्यों कौड़ा को इतना अप्रिशिएट कर रहा था. सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ वो होता है शेल. तो ये जो शेल की क्वालिटी है वो है हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीकार्बोनेट. मैंने पुरानी वीडियोस में बहुत बार मेंशन किया है कि पॉलीकार्बोनेट शेल्स पे ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो नॉर्मल प्लास्टिक ABS बड़े बड़े रिनाउंड ब्रांड्स अवेलेबल करवाते हैं वो हमने हमारी हैमर टेस्ट की वीडियो में भी देखा था कि वो उतने कारगर नहीं रहते हैं जब वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वैसे हो. इसीलिए तो जो हाई इम्पैक्ट पॉलीकार्बोनेट शेल होती है उसमें होता क्या है, मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ. उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, एक इम्पैक्ट हुआ, एक डैश हुआ है और ऐसे वो पड़ा हेलमेट के शेल पे, तो पॉलीकार्बोनेट शेल क्या करता है, उसको फैला देता है, उसको चारों तरफ से फैला देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एक ही जगह पे, सारा का सारा इम्पैक्ट और फोर्स नहीं पड़ता है. अब उससे होता क्या है आप लोग सोचोगे और मुझसे पूछोगे, तो बता देता हूं बिना आपके ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के. उससे होता यह है कि देखिए जब एक जगह पे इंपैक्ट पड़ता है तो वो ऑब्वियसली उस एरिया को, उस सरफेस एरिया को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी. बट जब फोर्स पड़ा और वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ऑब्वियसली डैमेज का एक्सटेंट कम होगा, ठीक है. तो ये पॉलीकार्बोनेट शेल्स की ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो हेलमेट्स में यूज किया जाता है. ये तो पहली बात थी कि ये हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है. प्लस जो इसके अंदर का EPS है, EPS क्या होता है, वो वाइट और ब्लैक कलर का जो थर्माकोल आप लोग अमूमन देखते हैं आपके किसी भी ब्रांड के हेलमेट में, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स में आता है वो अंदर, किसी में वाइट होता है किसी में ब्लैक होता है. तो EPS होता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन. इसका काम क्या होता है, जब इंपैक्ट पड़ता है हेलमेट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो फोर्स बचता है जो अंदर जाता है उसको EPS जो होता है इसके अंदर का थर्मोकॉल टाइप का मटेरियल, केमिकली प्रोसेस्ड थर्मोकॉल, वो उसको बचे हुए फोर्स को जो अंदर आता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके बचे हुए फोर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारा जो सर है, हमारा जो स्कल है वो सेफ रहे, ठीक है. सबसे पहली बात क्या थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इरिटेट मत होना. तो हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीकार्बोनेट. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ड्यूअल डेंसिटी EPS है, ठीक है. EPS क्या होता है मैंने फिर से बता दिया आपको इस वीडियो में. और उसके साथ ये मात्र 1450 से 1500 ग्राम का है. और उसी के साथ ये एक वन ऑफ द लाइटेस्ट ड्यूअल वाइजर बोले तो सन वाइजर हेलमेट्स है इंडिया में इस वक्त, ठीक है. 1450 से 1500 ग्राम के ड्यूअल वाइजर सन वाइजर्स के साथ अवेलेबल होने वाला एकमात्र नहीं बोल सकते, वन ऑफ द लाइटेस्ट हेलमेट्स बोल सकते हैं. इसमें फिर आप बोलोगे स्टड ड्रिफ्टर वगैरह आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं, या शिफ्टर आ जाते हैं, है ना. तो कहने का तात्पर्य है वन ऑफ द लाइटेस्ट ड्यूअल वाइजर हेलमेट्स इन इंडिया विद अ वेट ऑफ 1450 to 1500
grams. अब हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ हमेशा हेलमेट खरीदने से पहले, वो होते हैं इनकी सर्टिफिकेशंस। जी हाँ, ये बखूबी अब भी इंडिया में अगर अवेलेबल है तो बखूबी ISI मार्किंग के साथ ही आएगा और ये ECE सर्टिफाइड भी है, ECE 22.05। ठीक है, इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था इससे पहले कि 22.05, 22.06 में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा हेलमेट है अवेलेबल अभी 22.06 में। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा वाला हेलमेट अभी इंडिया में अवेलेबल है विद ए सर्टिफिकेशन ऑफ ECE 22.06। अब ओवरऑल अगर आप शेल देखेंगे इसका, वो काफी छोटा है अगर आप कंपेयर करेंगे इसको SMK से, XOR से। उसकी वजह से भी ये काफ़ी बढ़िया टूरिंग हेलमेट बन जाता है। आप जब इसको पहनेंगे तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत ही बढ़िया और प्यारा किया हुआ है, बनाया हुआ है। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा इसका वेट महसूस नहीं होगा आपकी गर्दन पे, आपके सर पे, आपके गर्दन पे। ठीक है, इसका जो सन वाइजर का कवरेज आप देखेंगे, बाकी जो इसके राइवल्स हैं इस प्राइस पॉइंट में, जो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में इसकी प्राइस, वो इतना नहीं देते। मतलब वो ना उनका ऑलमोस्ट ऐसा सनवाइजर रहता है, इसका पूरा नीचे तक है सनवाइजर। तो ये जो कवरेज है बहुत ही बढ़िया दे रखी है इन लोगों ने। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये नॉर्मल वाला, नॉर्मल तो नहीं है इसको, ये कंपनी बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस QRS सिस्टम है, क्विक रिलीज सिस्टम है, रैचेट सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने, जो कि बहुत ही बढ़िया है और लंबा चलेगा। इसका इनर पैडिंग भी बहुत ही सही है, कंफर्टेबल है, अच्छा है, नरम है, एंटी एलर्जिक, एंटी विकिंग है। ठीक है, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो अब बात करते हैं इसके वेंटिलेशन की। ट्रेडिशनल वेंटिलेशन है, यहाँ पे आपको इसका बड़ा सा लोगो मिलेगा जो काफ़ी सिमिलर है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये एस्पिडा जो एक ब्रांड था कुछ साल पहले, मतलब डेढ़ दो साल कोविड से पहले, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। उसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त करना बाकी है, तो आने वाले वीडियोस में शायद उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एस्पिडा का ही रिब्रांडेड वर्जन तो नहीं है। एस्पिडा बहुत ही बढ़िया था, उनके जैकेट्स वगैरह बहुत ही सही थे, जो लोगों ने यूज़ करे होंगे वो बखूबी मेरे इस बात से भी रिलेट कर पाएंगे। तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये इसका एक यहाँ पे वेंट है, ऐसा एयर वेंट जिसको बोलते हैं, और ये इसके एग्जॉस्ट हैं यहाँ पे दोनों, और ये यहाँ पे भी है एयर वेंट। तो एयर वेंट्स कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, चलो इसके बीच में एक छोटा सा ज्ञानवर्धक बात भी बता देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो एयर वेंट्स होते हैं हेलमेट में, ये बड़े होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ये भी उनकी प्रायोरिटी हो जाती है हेलमेट सिलेक्शन पे, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, कंपनीज बड़ी बड़े एयर वेंट्स भी दे सकती है, रीज़न कि वो ज़्यादा बड़े नहीं देते क्योंकि आप हाई स्पीड्स पे टूरिंग कर रहे हो, हाईवे टूरिंग कर रहे हो, ज़्यादा बड़े एयर वेंट्स होंगे, ज़्यादा हवा अंदर जाएगी, ज़्यादा शोर होगा, ज़्यादा नॉइस होगा, और ऑब्वियसली एरोडायनेमिक नहीं रहेगा हेलमेट। ठीक है, तो हमेशा हेलमेट्स जो होते हैं एरोडायनेमिक बनाए जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे वेंट्स होते हैं ये काफ़ी सक्षम होते हैं अपने कार्य करने में। कौन से वाले में, कि हमारा जो बाहर का आउटर शेल है उसके बीच में जो फिर EPS है, फिर पैडिंग है। ठीक है, ये जो तीन लेयर्स होती है, EPS जो थर्माकोल वाला मैं बोल रहा था, और जो पैडिंग है उसके बीच में गैप होती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो ऐसी, ये देखो यहाँ पे पीछे गैप होती है। इससे होता क्या है, इसके अंदर से जो फ्रेश एयर होती है वो अंदर जाती है ऐसे घूम के, फिर पीछे एग्जॉस्ट से वापस जाती है। एक तो हमें फ्रेश एयर ब्रीथ करने को मिलती है क्योंकि हम कंटिन्यूसली हेलमेट के अंदर एक्सेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक तो ब्रीथ करने के लिए फ्रेश एयर मिलती है जिससे हम काफ़ी विजिलेंट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं अपने रिस्पॉन्स टाइम को लेकर, और प्लस उसके साथ साथ हमको अच्छा थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है हमारे सर को, और थोड़े बहुत पसीने भी ड्राई ऑफ होते रहते हैं उसके साथ। तो हमने इसके शेल के बारे में बात कर ली, इसकी सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की ली, मैंने आपको वेंटिलेशन भी बता दिया, मैंने इसका वेट भी आपको बता दिया जो 1400 से लेकर 1500 के बीच का है। ठीक है, वन ऑफ द लाइटेस्ट ड्यूअल वाइजर हेलमेट्स इन इंडिया। उसके बाद इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये मात्र 6999 में आपको अवेलेबल है, 6099 में अवेलेबल है। ठीक है, और हाँ, एक और जो इम्पॉर्टेंट था बात आप लोगों के साथ शेयर करना, ये जो इसका विजन देख रहे हो आप, ये भी काफी ब्रॉड दिए रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये थे कुछ
क्वालिटीज इसके कोडा हेलमेट के बारे में। आशा करता हूँ ये शॉर्ट सा ब्रीफ सा वीडियो जो हम काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए लेकर आए हैं, और कोशिश करूँगा कि आगे रेगुलर रहूँ, हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो डाल ही दूँ। ओके, विद दैट एज ऑलवेज स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड एंड स्टे सेक्सी लाइक मी ऑलवेज। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर माताश्री पिताश्री। विद दैट पीस आउट।